ये देखो। ये वीडियो किसने भेजा आपको रानी साहब? फेक है ये। जिसने आपको ये वीडियो भेजा है उसका नंबर दीजिए मुझे, मैं देखता हूँ क्या लगता है उसे। ऐसे फेक वीडियोस भेजकर हमें बेवकूफ बना सकता है वो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये वीडियो रानी साहब ये फेक है, नकली है ये। आप भी इन बेफिजूल चीजों पर भरोसा करके परेशान मत होइए रानी साहब। रानी साहब बिरजू और रानी दोनों को जानता हूं मैं, उनके साथ बलिया में रहा हूं। उन दोनों के बीच में दोस्ती के अलावा कोई और रिश्ता नहीं है रानी साहब। ऊपर से आप देखिए ना, वीडियो देखिए, बिरजू के कपड़े देखिए, बिरजू ऐसे कपड़े नहीं पहनते। जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है वो सिर्फ उनकी दोस्ती का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिशों को आप नाकाम कर दीजिए इस वीडियो को डिलीट करके। और आप कहीं नहीं जा रहे रानी साहब, ये सामान मैं रख रहा हूं। प्लीज ये सब रहने दीजिए, आप बैठे बैठे इधर, आप थोड़ी देर आराम से बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ आपके लिए, ओके? ना तो हमारी भूख वापस आई है और ना ही चिंता मिटी है। अनिसा मैं आपको कह रहा हूँ कि मगर हमें तसल्ली तभी मिलेगी जब तुम रानी से बात करोगे, उसे पता करोगे कल रात वो कहाँ थी, तुम्हारे साथ या फिर उस जाकर बात करो वीर। रानी सा की तसल्ली के लिए रानी से एक बार बात करना ठीक रहेगा, वरना खामखा रानी सा टेंशन लेती रहेंगी। ठीक है रानी सा, आपको ये सही लगता है तो मैं ये करूंगा, रानी से बात करके आता हूं। ताश में हुकुम का इक्का एक होता है और रानी चार। एक चाल बेकार हुई है, तीन अभी भी बाकी हैं। एक बात तो तय है वीर कि तुम्हारी इस प्यारी रानी को रजावत परिवार छोड़ना ही होगा। रानी यहां पर भी नहीं है। क्या बात है बिरजू, नए कपड़ों में एकदम चमक रहे हो। हाँ वो दुबई में हम ऐसे ही कपड़े पहनते थे, फिर गांव चले आए तो सोचा जैसा देश वैसा भेस, और वैसे भी वो कुर्ता पहन पहन कर बोर हो गए थे हम, तो सोचा ये पहन लेते हैं। ये कपड़े ये तो वही कपड़े हैं जो उस वीडियो में थे, मुझे रानी से बात करनी होगी अभी। अजीब लग रहा है का? अजीब का तो पता नहीं, पर अब गरीब नहीं लग रहे हो। तारीफ करा था कि ताना मारा था ससुरा। इससे पहले कि बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाए मुझे रानी से बात करनी होगी, पर रानी है कहां? ब्रो विक्रम आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ आप ठीक है? ये जो हॉल में मंडप सजा है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या मतलब? सीरियसली आपको अब भी फर्क नहीं पड़ रहा? ब्रो ये मंडप आपकी और कियारा की शादी का मंडप है, पता है ना आपको? आप कब मानेंगे कि आप भाभी सा के बिना नहीं रह सकते? ब्रो मैं जानता हूँ कि ये शादी आप दोनों की मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन किस्मत ने आप दोनों को मिलाया है तो कोई वजह होगी ना। आपको अपने प्यार को खोने का डर नहीं है? मैं जानता हूं कि यह शादी आप दोनों की मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन किस्मत अगर आप दोनों को साथ लाइए तो इसकी कोई वजह होगी ना ब्रो। आपको अपने प्यार को खोने का डर नहीं है ब्रो? आप अगर चाहेंगे ना तो ये सब अभी रोक सकते। प्लीज ब्रो रोक दीजिए इसको। कल रानी और बिरजू के बीच में कमरे में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था।
अरे क्या सोच रहे हो, बोलिए ना। जवाब की तलाश में मैं खुद हूं एकदम, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूं। सॉरी रुक रुक, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव से गोवा आ गए पर सूरती देवी की कमी अभी तक महसूस नहीं हुई। मैं जानता है काहे 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 कि ऊ का मुंह पूरा दिन चारा चरने में निकल जाता है और तेरा बकवास करने में। क्या कर रहा है ये सब तू? पता है ना डॉक्टर साहब को पता चलेगा तो कितना नाराज होंगे ऊ। तो माने ये बेफिजूल का सिलसिला चलता रहेगा। बेफिजूल नहीं है बिरजू, हमारी तरकीब काम कर रही है। अपनी आंखों से देखे हैं हम कियारा जी और देवर जी को करीब आते हुए। उल्टा तू ना खेल और भी बिगाड़ देगा। अरे तो क्या करे, इस सब कुछ बर्बाद होने के सिर्फ एक ही कदम दूर खड़ी है तुरा। बिरजू कितनी बार बताए तुझे, कच्चू बर्बाद नहीं हो रहा, सब ठीक है। तेरा इसी खोखले विश्वास का फायदा उठा रही है तेरी सास। हम जानते हैं यू कुछ गड़बड़ कर रही है, इसलिए गए थे हम कल रात उनसे बात करने के लिए। क्या बोला तू? तू पागल हो गया है का? साफ साफ बता क्या बोला तूने? खम्मा घनी रानी सा, हमारी इजाजत के बिना हमारे कमरे में आने की जुर्रत कैसे की तुमने? अब आदमी हालचाल पूछने के लिए इजाजत लेकर आएगा? खैर हमें तो ये बताइए, अब आपके शैतानी दिमाग में का पक रहा है? मिनट बताने से पहले ये समझ लीजिए कि ना तो हम चंपा है जो आपकी हर बात में गाय की तरह सर हिलाएंगे, और ना ही ऊ जय राजा बाबू जो आपके हर इशारे पे कठपुतली की तरह नाचेंगे। चेतावनी देने आए हैं आपको, रानी का अगर कुछ भी बुरा किए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सड़क पर जब लंबी गाड़ी निकलती है ना तो एक कुत्ता सबसे ज्यादा भौंकता है, और जब वो गाड़ी आकर रुकती है तो कुत्ता सबसे पहले दुम दबाकर वहां से भागता है, समझे? आप हमें डराइए धमकाइए, और चाहिए तो अपने डॉक्टर बेटे को बोल करके हमको यहां से बाहर फिकवा दीजिए, पर रानी के साथ कुछ गलत करने का सोचेगा भी मत। हे माता रानी, क्या करें हम इस बेवकूफ का? तो दिमाग का घास चलने गया है, बिना किसी सबूत पे ऐसे कट्टा चला के आ गया हवा में, ऐसा करता है का कोई? सबूत नहीं चाहिए हमें रानी, जब हम बोल रहे हैं कि रानी सा कुछ गलत कर रही है तो फिर हमारी बात पे भरोसा काहे नहीं है तुझे? देख बिच्छू, तुझे जो करना था तूने किया, अब हमारी बात ध्यान से सुन। चाहे जो भी हो जाए, आसमान फट जाए, जमीन हिल जाए, जो भी हो जाए, लेकिन कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। पर वो जो कर रही है उन्हें हम संभाल लेंगे, पर ये बात ध्यान में रखना, डॉक्टर साहब को कच्चू भी पता नहीं चलना चाहिए, पूछेगी नहीं। ठीक है, रानी सब कुछ सुने ना हो बिरजू और रानी सा के बहस के बारे में, बचा लेना माता रानी। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप ठीक है? कछु चाहिए का? आपसे एक सवाल करना था रानी जी। कल रात आप कहां थी? बार बार ये एक ही सवाल का है पूछ रहे हैं। आप बार बार उसी सवाल का जवाब देने से टाल क्यों रही हैं? नहीं ऐसा नहीं है, हम आपके साथ आपके कमरे में ही थे, और कहाँ होंगे हम? मैं इस कमरे में क्या कर रहा हूँ, यहाँ कैसे आया मैं? रानी मुझसे झूठ क्यों बोले जा रही है? कल रात को तो मैं अपने कमरे में भी नहीं था। लगता है डॉक्टर साहब नशे में इतने धुत थे कि कल रात का उन्हें कुछ भी याद नहीं है। बार बार हमसे पूछे जा रहे हैं, अब कैसे बताएं इन्हें कि हमें शर्म आती है। फिर जो से बात हुई आपकी? कहीं ये सब सुन तो नहीं लिए?
रानी? नहीं, अब नहीं तो माने हम देखे भी नहीं है उसे सुबह से। कहाँ होगा वो? पता नहीं। एक और झूठ। क्यों बोल रही है रानी ऐसा? इससे पहले बात ज्यादा बढ़ जाए मुझे सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। हम चलते हैं, हमें बहुत ही काम है वो निपटाना है। इससे पहले कि डॉक्टर साहब हमारा झूठ पकड़ ले, हमें यहाँ से भाग निकलना चाहिए। चाहे जो कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, जमीन हिल जाए, लेकिन कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। जो से बात हुई आपकी? नहीं तो माने हम देखे भी नहीं है उसे सुबह से। अब कहाँ होगा वो? पता नहीं। कल रानी और बिरजू के बीच में कमरे में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पहले रानी सा का वो वीडियो दिखाना, फिर बिरजू का वही सेम कपड़े पहनकर मेरे सामने आना, और अब रानी का झूठ कि मैं कल रात उनके साथ था। क्या हो रहा है ये सब? बिरजू के साथ मिलकर कौन सा सच छुपा रही है वो मुझसे? और क्यों? मैं रानी से सच की मांग कर रहा हूं तो फिर क्यों वो मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है? मुझे उनसे साफ साफ बात करनी होगी। आपको क्या लगता है मां, जो हमने प्लान किया है वो पूरा होगा? क्योंकि अभी तक तो भाई का भरोसा हिला नहीं है। I'm just saying, mom, आप तो जानती है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, एंड में भाई और रानी हमेशा साथ में हो जाते हैं, है ना जय? हमने तो किडनैप तक करके देख लिया, लेकिन रानी को वीर से और वीर को रानी से अलग करना बहुत मुश्किल है। रानी सा, रानी को किडनैप करने का प्लान जिसका भी था बहुत ही बकवास और बेकार था। आप ही के लिए था, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला था हमें, शायद इसलिए सॉरी। इस बार उनके रिश्ते को तोड़ने का प्लान डिफरेंट है, इसलिए रिजल्ट भी डिफरेंट होगा। अब हार का मातम नहीं, जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाइए आप दोनों। अरे कहां लेकर जा रही है हमें? अरे ताका जक्की का कर रही है, बोलना। कोई सुन लेगा। अरे लेकिन हुआ का है तो घबरा का ही रही है? बिरजू, हमें लगता है डॉक्टर साहब को शक हो गया है, बार बार पूछ रहे हैं हमसे कि कल रात को क्या हुआ था। तो जो भी हुआ है बोल दे उन्हें, और अगर तुझे डर लग रहा तुम जाकर बोल देते कि हम बात किए थे रानी साहब से। अब आगे कछु ऐसा हरकत मत करना जिससे डॉक्टर साहब का शक यकीन में बदल जाए। जब तक रानी से बात नहीं करूंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। अरे तूने जानता ही कितना है, एक बार किसी चीज के पीछे पड़ गए ना तो उनकी जड़ तक पहुंचने तक सांस नहीं आती उन्हें। बार बार पूछ रहे हमसे कि कल रात को क्या हुआ था, आगे कछु ऐसा हरकत मत करना जिसे डॉक्टर साहब का शक यकीन में बदल जाए। ठीक है, तू जैसा बोलते हम वैसा ही करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो संभाल ली ना। हाँ संभाल तो लिए, वैसे वो भी बड़े भोले हैं, हम जो कहते हैं मान जाते हैं, आंख बंद करके विश्वास जो करते हैं वो हम पर उसका मतलब ये नहीं कि हम खुलेआम अपना खेल चलाते रहे। सोच समझ कर संभल कर काम करना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। हम का कहते हैं ये राज को अपने गमछे में बांधकर बक्से में बंद करके रख, काहे कि एक बार जो बाहर आ गया ना बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। अरे तू तो चिंता मत कर, डॉक्टर को कानो कान खबर नहीं होगी, हम बता रहे हैं तुझे। इराज ना राज बनकर दम तोड़ देगा, देखना कुछ होना ही पता चलेगा डॉक्टर को। गलतफहमी दूर हो गई तुम्हारी? नहीं रानी साहब, जरूर कुछ। और क्या सुनना बाकी रह गया है वीर? मैं रानी से बात करता हूँ ना रानी साहब, आमने सामने, उन्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा।
क्या हुआ? अब हमें लगा जैसे कोई था यहाँ। अरे होता तो अंदर आ जाता ना, ज्यादा मत सोच। और सुन, दिमाग ठंडा रख, अपना सब ठीक है। क्यों रोक रही हैं आप मुझे रानी साहब? क्योंकि हम तुम्हें और हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहते। ये दोस्ती सिर्फ एक पर्दा है और उस पर्दे के पीछे असली रिश्ता छुपा हुआ है जो अब तुम्हारे सामने है वीर। बिरजू, अब फिलहाल के लिए ये सब हमारे बीच डॉक्टर साहब को समझ गए हम। डॉक्टर को कुछ होना ही पता चलेगा, तू चिंता मत कर। और वैसे भी वो डॉक्टर की माँ चाहे जैसी हो, लेकिन डॉक्टर ना बहुत ही बढ़िया इंसान है। कहा पिछु, तू पहली बार उनकी तारीफ कर रहा है? हाँ तब करनी पड़ेगी, बात ही ऐसी है, हमें गलत जो साबित कर दिए। वो जब से हम यहाँ आए ना रानी, तब से डॉक्टर का अट्ठो नया रूप देखे हैं हम, और ऐसा रूप जिसने हमें अपनी राय बदलने को मजबूर कर दिया। बहुत ही फिक्र करते हैं तेरी। बिरजू, हम तुझे बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं आज। आखिरकार हमारे सबसे अच्छे दोस्त को हमारे पति पसंद आ ही गए। ऐसा लग रहा है जैसे अचानक सब कुछ ठीक होने लगा है। बहुत खुश है। उम्मीद है अब तुम हमारी बात मानोगे। जो हमने तुमसे कहा, जो वीडियो हमने तुम्हें दिखाई, वो सब सच है। अरे तू रो काहे रही है पगले? तू जानता नहीं है कि हमें डॉक्टर साहब के रूप में कितने अच्छे जीवन साथी मिले। उनकी आंखों में हमने अपने लिए सिर्फ इज्जत देखा है। बिरजू, कितना ख्याल रखते हैं वो हमारा, और तो और फ्री में इलाज भी कर देते हैं। चुप, पग लेट कहीं की, चुप हो जा वरना डॉक्टर को बोल के सुई लगवा देंगे। हाँ, आज तक तुम्हें, हमें, पूरे परिवार को ये दोनों मिलकर बेवकूफ बना दे रहे हैं। शर्म आती है ये सोचकर कि रजावत परिवार की बहू अपने ही दोस्त के साथ। थोड़े से पैसे और ऐशो आराम के लिए इन दोनों ने इतनी घिनौनी हरकत की। गलती हमारी है वीर, जो इन नौकरों को जमीन से उठाकर अपने साथ बिठा लिया। ये देखो वीर, बिरजू के वॉलेट में हमें क्या मिला है। आगे कछु ऐसा हरकत मत करना जिसे डॉक्टर साहब का शक यकीन में बदल जाए। वो भी बड़े भोले हैं, हम जो कहते हैं मान जाते हैं। सच्चाई भले ही कड़वी होती है वीर, लेकिन आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरी होती है। चल, बहुत ही काम पड़ा है, सब निपटाते हैं। मिलते हैं तुझसे बाद में। हाँ। जय माता रानी। जय माता रानी। काश हमने तुम्हें पहले ही वॉर्न कर दिया होता। जब शुरू में बिरजू आया था, रानी के खिलाफ अगर कोई एक शब्द भी बोलता था तो पागल हो जाता था वो। हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, उससे कहीं कहीं ज्यादा है।
आपका और रानी का ब्याह हुआ कैसे? आपसे मतलब? अरे मतलब हमसे ही तो है। नमान बाबू पी लीजिए बलिया का स्पेशल ड्रिंक। जत के साथ निकल लो। रानी का ख्याल हम रखेंगे। हमारी दोस्त के साथ कोई भी शोषण हुआ ना तो टांग अड़ाना और टांग तोड़ना बिरजू दोनों बखूबी जानते हैं। हाँ तो डॉक्टर का तुम अपना पति होने का फर्ज निभा रहे हो? कल रानी और बिरजू के बीच में कमरे में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आज तक तुम्हें पूरे परिवार को ये दोनों मिलकर बेवकूफ बनाते रहे। वीर संभालो अपने आप को।